आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो अब इस रिएक्शन, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल डीकलराइज द कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। तो हमको इसमें कुछ नहीं देखना है, बस ये बताना है कि जो एसिडिफाइड KMnO4 होता है उसका कलर कौन डीकलराइज करेगा। तो यहाँ पे जो KMnO4 होता है, KMnO4, उसमें जो Mn होता है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ओके, सो KMnO4 जो होता है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एंड बिकॉज ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है तो जिस चीज़ को भी ऑक्सीडाइज करेगा उसको, अगर वो चीज़ तभी ऑक्सीडाइज हो सकती है जब वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ना हो। जैसे कि मान लीजिए हमने उसको कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया, नाइट्रोजन का एक ऐसा कंपाउंड दे दिया जिसमें नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब अगर नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो KMnO4 उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। तो अगर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो KMnO4 का रिडक्शन भी नहीं होगा, एंड जो कलराइजेशन होता है KMnO4 का कलर जो होता है वो पर्पल होता है, एंड ये जो पर्पल कलर का डीकलराइजेशन होता है वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो Mn+7 से Mn+2 में पहुंच जाता है एसिडिफाइड मीडियम में, एसिडिक मीडियम में। तो जो डीकलराइजेशन है वो किस लिए होता है, Mn+2 में पहुंचने के कारण। और Mn+2 में कब पहुंच सकेगा, वो खुद कब रिड्यूस होगा, जब वो किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। पर अगर कोई पहले से ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हमको बस ये देखना है कि जो हमको कंपाउंड्स दिए हुए हैं क्या वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर है तो नहीं डीकलराइज करेंगे और अगर नहीं है तो कर देंगे। अब यहाँ पर H2S है, तो यहाँ पर S जो है, सल्फर जो है वो 2 नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये जो है ये डीकलराइज कर सकता है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अभी बढ़ सकती है, इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो KMnO4 का भी रिडक्शन हो जाएगा, तो ये डीकलराइज करेगा। उसके बाद FeSO4 जो इसमें आयरन है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन +3 में हो सकता है तो इसका भी रिडक्शन हो सकता है, तो ये करेगा। उसके बाद NaNO2 में जो नाइट्रोजन है वो जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड नाइट्रोजन कहाँ तक जा सकता है, +5 तक जा सकता है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन है वो NO3 नेगेटिव या नाइट्रेट आयन में हो सकता है, तो इस कारण क्या है, ये भी इसको जो है डीकलराइज करेगा। अब यहाँ SO3 2 नेगेटिव है, ओके, SO3 2 नेगेटिव में क्या है, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, एंड सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ तक जा सकता है, +6 तक जा सकता है, तो ये जो है इसका भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। सल्फेट आयन में ये सल्फाइट जो है उसको सल्फेट में चेंज कर सकते हैं हम, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो इसका भी रिडक्शन हो सकता है। ओके, तो हमें बेसिकली बस ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किसका किसका हो सकता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिडक्शन करेगा KMnO4 का एंड डीकलराइजेशन करेगा। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव है, एस जो सल्फर है वो +6 तक जाता है, तो 2 नेगेटिव से +6 तक तो जा ही सकता है, ये भी करेगा। उसके बाद Na2S 2 नेगेटिव है, यहाँ पर भी होगा जो है रिडक्शन ऑक्सीडेशन। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास NaNO3 आया है, यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +5 जो है वो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इससे ऊपर उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करवाया जा सकता, कुछ भी कर लें हम। तो जो NaNO3 है वो KMnO4 को डीकलराइज नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा। उसके बाद Na2SO4, यहाँ पर भी सल्फेट +6 में है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ये भी डीकलराइज नहीं करेगा क्योंकि ये KMnO4 को रिड्यूस नहीं कर सकता। उसके बाद CO2 जो कार्बन है वो +4 में है, कार्बन +4 के आगे नहीं जा सकता, कार्बन अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकता, कार्बन का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं करेगा। उसके बाद सल्फर यहाँ पे +6 में है, यहाँ पे भी नहीं होगा ऑक्सीडेशन, एंड यहाँ पर जो फॉस्फोरस है +5 में है, तो फॉस्फोरस का भी हाईएस्ट जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +5 होता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा फॉस्फोरस, तो यहाँ पे भी डीकलराइजेशन नहीं होगा। तो इन्होंने बोला था हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग विल डीकलराइज द कलर ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, मतलब KMnO4 जो पर्पल कलर का होता है उसको डीकलराइज करके Mn2 पॉजिटिव में कौन कौन ले जाएगा, तो H2S, FeSO4, NaNO2, Na2SO3, PbS और
एंड Na2S जो है वो डिकलराइजेशन करेंगे, तो ये कितने हैं, 6 जो कंपाउंड्स हैं वो करेंगे, तो हमारे यहाँ पर आंसर 6 हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।